आपने सोशल मीडिया के जरिए दो दिलों को मिलकर विवाह के बंधन में तो बंधते काफी बार देखा और सुना होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बता रहे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए ही शुरू हुई, लेकिन इनके दिलों के तार आवाज से नहीं हाव भाव से जुड़े। इंदौर की रहने वाली मुखबधिर लड़की ने खरगोन के रहने वाले मुखबधिर युवक से शुक्रवार को शादी की। यह शादी इंदौर के साथ ही खरगोन जिले में भी खासी सुर्खियों में रही। खरगोन से करीब 6 किलोमीटर दूर ठिपगांव का रहने वाला सुनील जन्म से मुखबधिर है। साल भर पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती इंदौर की सुनीता यादव से हुई, वह भी मुखबधिर है। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता प्रेम में बदल गया। वीडियो चैटिंग के जरिए एक दूसरे के साइन लैंग्वेज में बात की। दोनों की अब अनोखी प्रेम कहानी परिवारों के सामने पहुंची तो वह भी राजी हो गए। दोनों का विवाह तय कर दिया। गुरुवार को परिवार में मंडप पूजन हुआ। इसके बाद सुनील शुक्रवार रात बारात लेकर सुनीता के घर इंदौर पहुंचा, उससे शादी कर अपने साथ ले आया। गांव के भूपेंद्र यादव बताते हैं कि सुनील व्यवहारिक और सुशील है। वह जन्म से बोल नहीं सकता, लेकिन उसने अपने व्यवहार से अलग पहचान बनाई है। पिता कैलाश यादव बताते हैं कि बेटा जन्म से ही बोलने में असमर्थ था। उसके भविष्य की चिंता हमेशा रहती, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा संयोग बनाया कि वह भी विवाह बंधन में बंध गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे? सुनील जी जो है, सुनील जी मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो फेसबुक और इनके माध्यम से इनकी दोस्ती भी भैया पांचवी तक पढ़े, इनकी जो सांकेतिक भाषा रहती है उस माध्यम से इनकी बातचीत हुई। तो लड़की जो हमारी अभी जी है वो भी बचपन से मुखबधिर है, तो आपस में फेसबुक के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई और प्यार बढ़ता गया। इनके घर वालों को ये चीज़ पता चली और घर वालों को टेंशन भी ये था बचपन से कि हमारे बेटे की शादी कैसे होगी। हमारे मामा जी कैलाश मामा जी जो है, तो उनके बाद फिर आपस में दोनों ही परिवार के मेलजोल बढ़े और इनकी शादी फिर करवा दी गई। और अभी शादी में भी बड़े इंदौर बारात लेके गए थे, बड़े हर्षोल्लास से हमारा स्वागत किया गया और सभी रिश्तेदार आए थे। दोनों बचपन से ही बोल सुन ले सकते थे, जो भाभी जी वो भी और भैया भी हमारे। फिर कैसे इन लोगों ने आपस में ऐसा कि जो उनकी सांकेतिक भाषा रहती है, पहले फेसबुक पे इनका वो हो चुका था, मतलब फेसबुक पे दोस्ती बढ़ी, वही चीज़ धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी सांकेतिक भाषा में, ये आपस में मिले जुले। और इसी तरह इनके घर पे बातचीत बढ़ी, मतलब पता चली कि भाई लड़के ने एक लड़की पसंद करके रखी, वो भी उनके जैसे है, और ये चीज़ें आगे बढ़ती चले और इनका जो रिश्ता था वो विवाह तक पहुँच गया और आज शादी तक भी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक यादव है। क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से एक चिंता थी, क्या बेटे को तकलीफ? लड़के की हमारे को बहुत चिंता थी कि कैसे शादी होगी, कहाँ वो मिलेगी। इनको पढ़ाया भी खरगोन में मोकबधिर स्कूल में, और वहाँ से हमको बहुत टेंशन था कि कब शादी होगी और कैसी वो मिलेगी। फिर इन्होंने फेसबुक पे इन्होंने वो इनके जो लोग हैं उन्होंने तो कैसा लग रहा इसकी शादी हो गई कि नहीं, हमारे पूरे परिवार को अच्छा लगा और हमारे गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगा इसकी शादी और शादी भी इसलिए कि नहीं कि गांव वाले ने सब खुश हो गए। क्या धूमधाम से की शादी? हाँ, अच्छी धूमधाम से की। यार अकेला लड़का था और बढ़िया, इससे तो शादी करना ही था, और वो सामने वालों ने भी लड़की की शादी बहुत अच्छी की। वहाँ इंदौर गए थे, अभी बारात ले गए, बहुत आनंद आ गया और मिल गया। क्या नाम है आपका? कैलाश जी यादव, किला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।